सुन तो आप गीत सुन रहे थे, उधर हमारा खून पसीना एक हो गया। अबे तानसेन की औलाद, मुझे फिर चढ़ाई आ रही, गिर लगा जल्दी से। अबे चली, अरे गियर लगा जल्दी से, उतरा ही है। इस तरह फेंकने की चीज है क्या? ये तो खुद जाके भेंट की जाती है। तुम्हें तो हर जगह खूबसूरत जवान लड़के ही दिखाई देती। अगर ये किसी काली कलूटी खुसट का हुआ तो मैं इसकी पहचान गई तो आंखें चाहिए आंखें। अरे भैया आंखें वाले तो खत का मजबून भाप लेते हैं लिफाफा देख कर। बैठ यहां, मैं देख आता हूं। बरा चाचा ये दुपट्टा तुम्हारा है? हाँ। ये खेत तुम्हारा? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा सरकार तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें क्या मतलब? हमें कुछ मतलब है तभी तो पूछते हैं हम। अरे बिजली हो बिजली। ओ भिश्निया, भिश्निया हो। ये सारे खानदान को बुलाने की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ तुमसे बात करने आए थे, तुम कहती चले जाते। चलिए क्या हुआ? नहीं होने वाला, जल्दी कर, जल्दी, हाँ जल्दी।
आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएगा? अरे तू अपनी ये नखरेबाजियां छोड़ दे, अभी वो जल्लाद यहाँ पहुंचेगा। जल्दी कर, जल्दी अच्छा क्या तुम यकीनी तौर पर बता सकते हो कि बाप क्या और गुण क्या? फिर एक बात जो हमारे देश और मजहब में बाप समझी जाती है, वही बात किसी दूसरे देश और धर्म में क्यों बाप नहीं होती? क्या तुम अच्छे बुरे का एक ऐसा म्यार, एक ऐसा तराजू बता सकते हो जो कि हर देश, हर धर्म और हर इंसान के बारे में लागू हो सके? है कोई इसी कसौटी? हाँ है। अच्छे बुरे का सबसे बड़ा मयार एक ही, और वो है किसी का दिल ना दुखाना, किसी के जज्बात या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, और बस यही पुण्य है और यही पाप। ये जो तुम 18वीं सदी की जज्बाती शायरी करते हो ना, बस इसी ने तुम्हारी लुटिया डुबो दी। अरे कवि महाराज, ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी। आज का इंसान जज्बात और भावनाओं के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। आज का धर्म मादा परस्ती, समझे, मादा परस्ती। अगर दुनिया में कुछ तरक्की करनी है तो मटीरियलिस्ट एंगल से चीजों को देखना सीखो, समझे। तुमने अभी तक वही एक एंगल देखा है गोपाल, किसी के सच्चे जज्बात नहीं देखे, वरना तुम इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर भी ऐसी बातें ना करते। लेकिन शायद इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं, क्योंकि सच्चे जज्बात सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही पैदा कर सकती है, और तुम ठहरे वासना और हवस के पुजारी। अरे भैया तुम किस चिंता में पड़ गए हो कि प्रेम और मोहब्बत शायरी वारी करने के लिए ठीक, वरना आज की अमली जिंदगी में तो इन घिसे हुए लफ्जों का कोई काम नहीं रहा। अरे राम, ये सब जिनसी भूख का मसला है, दरअसल शादी वादी का झंझट ही गलत, ये तो जहाँ भूख लगी वहीं मिटाली वाला उसूल होना चाहिए। अपने राम तो इसीलिए इस मामले में फ्री आंसर है, यानी जिस जगह पर जा लगी वही किनारा हो गया, कोई जहाँ भी आ मिला वही हमारा हो गया। ठीक है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना था। हाँ ये बात हुई ना, चल जल्दी कर, सांझ से पहले किसी पड़ाव पर तो पहुंच जाए, वरना कहीं रात को तुम्हारी लाडली को धक्के लगाने पड़ गए ना तो मोहब्बत मोहब्बत सब निकल जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता कि मोहब्बत कोई शह है, या कि वो एक बेकार सी चीज है। तुम्हारे न मानने से क्या होता है? अच्छा ये बता कि जब पहाड़ पे इतनी लड़कियां मिलती हैं, क्या वो सचमुच मोहब्बत करती हैं? कौन जाने उनमें से कोई सचमुच ही करती हो और जो नहीं करती, उनके नजदीक जिनसी भूख से ज्यादा पेट की भूख का सवाल है गोपाल। अच्छा भी अपनी लेक्चरबाजी बंद ही करोगे या नहीं? बोले उस मोड़ के पीछे सतपुड़े का गाँव, गाड़ी पड़ाव सीधा डाक बंगले में रोक लेना। क्यों? अभी तो बहुत वक्त है, हम आसानी से शहर पहुंच सकते हैं। अरे नहीं भैया नहीं, बड़ा गजब हो जाएगा। हाँ मुझे यहाँ किसी से मिलना है। किसी से क्यों, किसी लड़की से कहो। चलो किसी लड़की से सही। मगर है कौन? अरे तुम्हें याद नहीं कि पिछले साल पहाड़ से लौटते हुए मैं एक रात यहीं रहे थे, बस तभी मिली थी। अगर चीज हो गया, यू भी उसके माँ बाप मर चुके हैं, बस हमारी तरह आजाद, लेकिन है बड़ी चालाक। अरे तुम जैसे को उल्लू बनाने वाली बहुत सी बातें की उसने, कि देखना तुम मेरा दिल ले चले हो। अब साल भर मेरी आंखें इसी सड़क पर बिछी रहेंगी, और जब तक तुम नहीं आओगे मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तो आपका इंतजार हो रहा बाहर है, तो चलो रे बालमा तेरा इंतजार है।
मुझे आने ही नहीं देते थे। हाँ वो कौन, क्या कोई दूसरी? अरे वो घर वाले, वो कहते थे साल किसी दूसरे पहाड़ पर जाओ, लेकिन क्या करूं, मुझे तो अपना वादा याद था, इसलिए तुम्हारी खातिर घर से भाग कर आया हूं। झूठ बोलते हो, तुम खुद नहीं आए, मेरी आहें खींच लई। छोजी कोई आहें नहीं रस्से हो गए। हाँ ठहरो पुस्तक, किसी ने सच कहा है कि मर्द अगर जान भी दे दे तब भी औरत को एतबार नहीं होता कि वो सचमुच मर बेटा। पर इस तरह नहीं, ये तो पानी से धोए जाएंगे तब साफ होंगे। तुम्हारे चरणों के लिए तो मेरी आंखों का पानी बहुत। ना भाई, क्या पता इस पानी के साथ तुम्हारी नजरें भी मिली हुई हो, और कोई एक आध नजर बेचारे पैरों को लग गई तो मैं कहां से मंदर टोना कराता फिरूंगा। तुम अभी बिल्कुल वैसे ही हो। देख लो फिर, मानती हो ना कि तुम्हारी खातिर अपने आप को बिल्कुल वैसे का वैसे ही ले आया हूं। हां ठहरो, गरम पानी। अरे नीना, अरे ये आंखें बंद करके क्या कर रही हो? वो गई। वो कौन? अरे वही, वो जो दूसरी लड़की आई थी अभी। क्यों? अरे मेरे भोले जल्लाद, खुद ही कत्ल करके पूछते हो कि साहब तुम मर क्यों गए? हाँ अरे भाई, तुम्हीं ने तो पिछले साल कसम दिलाई थी कि मैं किसी दूसरी लड़की का मुंह तक ना देखूं। बस देख लो, तब से आज तक अगर कभी कोई लड़की सामने आ भी जाती है ना तो बस इसी तरह आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ अब तो यह हाल है कि सोते जागते सिर्फ तुम्हारी सूरत आंखों में घूमती रहती। अरे ये क्या? मैंने देखा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे एतबार क्यों नहीं होता बाबू कि तुम सचमुच मेरे पास हो? क्या सचमुच किसी और लड़की ने अब तक तुम्हें मोह नहीं लिया? वाह ये भी खूब रही है। अरे भाई कहो तो मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख दूँ, अगर तुम मुझे कभी किसी और लड़की से बात भी करता देख लो तो मेरी गर्दन मार देना। ये शुभ बातें नहीं किए करते। हाँ अगर किसी दिन मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो याद रखना मैं कुछ खा लूंगी। ऐसी शुभ बातें क्या करते? हाँ
इतना तूफान है बाबू। हाँ हाँ, वो दूसरे बाबू जी कहाँ गए? बाहर गए। इस तूफान में उन्हें डर नहीं लगता क्या? वो इससे क्या डरे, वो इस वक्त इससे भी बड़े किसी तूफान से खेल रहा हो। क्या इससे भी बड़ा तूफान आ रहा है? आ रहा है, आ चुका होगा। कहाँ? जहां दो दिल मिले। वापस लौटते हुए तुम्हें साथ में चलूंगा। वापस कब लौटोगे? एक दो एक महीने में, तब तक बरसात भी शुरू हो जाएगी। जानो तुम किस बरसात की बात करते हो। बरसात का मौसम एक ही होता है साल में, तुम भी तो नहीं जानती। मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि तुमसे दूर रहकर मेरी आंखों में बारह महीने बरसात रहती है। तुम तो फिर शायरी शुरू करने लगी, हमें दुआई नहीं लाई। घंटे दो घंटे सोना, सुबह उठ कर फिर जाना। मैं सवेरे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वाह क्यों नहीं? अब वो जो मेरा दोस्त नीचे डाक बंगले में बैठा मेरी जान को रो रहा होगा। उसे भी यहीं बुला लो। अच्छा, ये उस पर भी इनायत का ख्याल कब से शुरू हुआ? अरे वो तो भगत आदमी है। भगत आदमी है तो उसे जरूर बुला लो। अच्छा जी, और हमारी भक्ति पसंद नहीं आएगी? तुम क्या भक्ति करोगे बाबू, कहीं भगवान भी भक्ति किया करते हैं। आखिर बात क्या है? बात यह है कि कल सवेरे ऊपर वाले गांव में उत्सव होगा। मैंने भगवान के आगे मन्नत मानी थी कि अगर तुम उत्सव से पहले आ गए तो मैं उत्सव में पूरे सिंगार के साथ नाचूंगी। इसीलिए तो तुम्हें रोक रही हूँ कि अगर भगवान ही यहाँ ना हो तो मैं किसके सामने नाचूंगी। तो ये बात है हा? तो कल सुबह फिर दिन No।
तुम अभी तक उसी तरह बुत के बुत खड़े हो, कपड़े तक नहीं पहने। इरादा क्या साहब के मकान वकान देखने चलना है कि नहीं? हम आज जल्दी जल्दी करेंगे तो शाम तक यहाँ से शिफ्ट करके फिर क्लब जा सकेंगे। चलो तो मगर ये तुम्हें हुआ क्या है जो भोंदू की तरह बस टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो? कहीं अभी तक उस लड़की की आंखें तो नहीं दिखाई दे रही? हाँ, कभी इसी का ख्याल सता रहा हो? हाँ पापा, ख्याल तो उसी का आ रहा है। बस बेटा हो गए गाल दो ही बातों में। अरे मियाँ कितने कच्चे खिलाड़ी, जरा हमारी तरफ देखो कि जहां से एक बार गुजर गया बस दरिया की लहरों की तरह गुजर गया, लौट के फिर उस घाट का ख्याल तक नहीं आया। और थोड़े घाट पड़े रास्ते में। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा ये फलसफा उस लड़की के सामने आकर हार ना माने। क्यों? तो बहुत खूबसूरत है इसलिए, लेकिन भैया मेरे यहाँ तो एक से एक खूबसूरत पड़ी, अभी तुमने देखा ही क्या है? नहीं, खूबसूरत का सवाल नहीं गोपाल, बल्कि उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यही वो लड़की है जो तुम्हें सचमुच प्यार करती है। और मैं डरता हूं अगर उसका प्यार सच्चा है तो कहीं वो दरिया की लहरों का रुख फेर कर ना रखती, और फिर एक दिन तुम्हें खून के आंसुओं की फेंट लेकर उस देवी के चरणों में ले जाना पड़ जाए। अजी आप किस चिंता में पड़ गए कवि महाराज, स्वयं तुम्हारे उस भगवान के घर से भी कोई औरत चलकर आ जाए ना तो वो भी इन आंखों में नमी तक नहीं ला सकती। तुम तो आंसुओं की बात करते, वो भी खून के। आज तुम एक बात पर हंस सकते हो गोपाल, लेकिन याद रखो कि प्यार का सौदा इतना सस्ता नहीं होता। एक दिन तुम्हें इसकी कीमत मालूम होगी और तब तुम जिंदगी भर के आंसुओं से भी उसकी कीमत नहीं चुका सकोगे। कीमत? शायद आपको पता नहीं कि मैं प्यार का भी उधार नहीं करता, हमेशा नकद कीमत अदा करता हूँ, नकद। हाँ, अभी कल ही तो 10 रुपए नकद देकर आया हूं। यही है ना वो नोट, गौर से देखो। हैरान क्यों हो गए? अभी तो वो दूसरा नोट भी मेरी जेब में रखा जो तुमने उसे पिछले साल दिया था। ये नोट उसने क्यों दिया? ताकि मैं उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आऊं जिसे पहनकर वो दुल्हन की तरह तुम्हारे घर जा सके और तुम्हारे घर वाले ये ना कहें किसी गंवार लड़की को ले आया। तो ये बात है भाई, लड़की भोली नहीं है, उसने 20 की जगह 200 के कपड़े मांगे हैं, 200 के, समझे? गोपाल, अरे भैया तुम इन औरतों को नहीं जानते,
जितनी भोली दिखाई देती है ना उतनी भोली होती नहीं। खैर भाई बात का मजा आ गया, चलो इसी खुशी में जल्दी से तैयार हो जाओ। मकान दिखाने वाला एजेंट नीचे खड़ा, चलिए देर से चिल्लाना चलते चलते। हाँ बाबू जी, वो बड़ा चंगा मकान होंगे बाबू जी, बड़ा हवादार मकान है। वो मकान भी होंगे तो बोट भी होंगे बाबू जी, आधा पानी तो होंगी आधा जमीन से। हाँ जी बाबू जी, बड़ा लोक रंजीत बाबू जी, आप लोग ही रंजीत बाबू जी, बाबू जी हमारा मजूरी नहीं भूलते। हाँ बाबू जी, ये मकान होंगे बाबू जी, कितना अच्छा अच्छा नक्काशी होगी बाबू जी, इसका पेंटिंग देख ली बाबू जी, कितना अच्छा अच्छा बाबू जी। इधर मेम साहब आदि ना, इधर इधर बैठ के चाय पीनी बाबू जी, बिस्कुट भी खानी बाबू जी, अब इसका नजारा देखो बाबू जी, इसका नजारा देखो बाबू जी। नहीं बाबू जी, तू इधर आने ना बाबू जी, तू इधर आने बाबू जी, हट जा तू, हट जा, छोड़ो हट जा, छोड़ो तू, मार मार ना कर, छोड़ो मार मार ना कर, छोड़ो बाबू को, हट जा बाबू, तू इधर आने, तू इधर आने, छोड़ दे तू, छोड़ दे तू बाबू जी, छोड़ो मार मार, छोड़ दे छोड़ दे, सुनो 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 बाबू जी, मेरी क्या सुनो, हां बाबू जी, हां बाबू जी, ना कर, चल ये तो बंद पड़ा है। ओ बाबू जी, भूल इसका चौकीदार है ना, इसका चौकीदार उस पार चौपड़े में रंजीत बाबू जी को ओ गंजू हो, गंजू हो, ओ गंजू हो, गंजू हो, ओ गंजू हो, गंजू, क्या नाम है उसका, गंजू गंजू, उसका सर गंजा होती ना बाबू जी, बोल सब साफ कर दी, इस वास्ते उसने गंजू कह दी बाबू जी। हाँ बाबू जी, बाबू जी साढ़ा इनाम मिलती है ना बाबू जी। हाँ बाबू जी, सुना प्राण तुमने, उसका नाम गंजू। हाँ बाबू जी, ऐसा तो नाम मिलता है, केवल साफ साफ कर दी सर। गंजू तो ठीक है, मकान हमें कौन दिखाएगा, मैं दिखा दी बाबू जी, वो भी दिखा दी, मैं दिखा दी, दिखा दी, किसी लड़की की आवाज, तुम्हें तो लड़कियों की आवाज ही सुनाई देती है। मैं कहता हूँ ये जरूर किसी लड़की की आवाज है, मैं कभी गलती करी नहीं सकती। क्या चाहिए बाबू जी, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। चाहिए बाबू जी, क्या चाहिए बाबू जी, क्या चाहिए बाबू जी, हमें ये मकान चाहिए, क्या किराए के लिए खाली, खाली तो है पर मेरा बापू घर पर नहीं है। बापू घर पर नहीं है तो तुम ही खोल कर दिखा दो ना। मैं दिखा तो दूंगी पर किराए का फैसला, तो किराए की फिक्र ना, अगर हमें मकान पसंद आ गया तो जो तुम्हारा बाप कहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हाँ बेटा, ये हुई ना रहने की जगह, बस अभी नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कौन गिर गया? कोई नहीं, उसे बाबू ने निकाल लिया है। कौन, रेशमा गिर गई? कहाँ है वो, कहाँ है वो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ सदमे से, पानी पी, मैं दवा भेज दूंगा, दो दो घंटे के बाद दे दूंगा, रात भर। गोपाल तुम डॉक्टर साहब के साथ चले जाओ, उनसे दवाई भी लेते आना और आते वक्त होटल से अपना सामान और गाड़ी भी ले आना। आए डॉक्टर। बाबू मेरी रेशमा बच जाएगी ना? घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर तुम्हारे सामने ही तो कह गया कि मामूली से सदमा पहुंचा, बस इसे पड़े रहेंगे तो रात भर में ठीक हो जाएगी। क्या करूं बाबू, इसका बाप यहाँ होता तो मैं इसे अभी घर ले जाती, लेकिन मैं अंधी औरत जात, क्या करूं, भगवान आपका भला करे।
और नहीं मां तुम्हारी। ये मकान? हाँ, हमें ये मकान पसंद आ गया। देखो तुम अब बातें बिल्कुल न करो, चुपचाप सो जाओ। अच्छा, और तुम नहीं सोओगे क्या? सो जा, बातें नहीं करते। सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आती। मगर तुम क्यों नहीं सोते? यही तो मैं भी सोच रहा हूं, मैं क्यों नहीं सोता? न जाने मुझे क्या हो गया, हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। क्या हो गया गोपाल? मुझे तुमसे प्यार हो गया प्यारे, प्यारे मुझे तुमसे प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया। बस सही बार मेरे सीने से लग जाओ, अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। देखा, कुछ समझी तो चुपचाप सो जाओ। क्यों? पर तुम क्यों नहीं सोते? तुम दोनों सो क्यों नहीं जाते? क्या बच्चों की तरह किड़किड़ लगा रखी? तुम सो जाओ, पहले तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आती, मुझे भी नींद नहीं आती। तुम सो जाओ, मैं सो जाओ, मैं सो जाओ, तुम सो जाओ। सो नींद तो खा रही कुछ है? तुम सो जाओ, सो सो सो। झील पे जाओगे? क्लब नहीं चलोगे? अबे क्लब छोड़, चल झील पे चले। मैंने रेशमा से कश्ती लाने को कह दिया। वो तो मैं सब समझता हूँ। अच्छा जा जा जा, इस दफा तुझे माफ किया। क्या मतलब? मतलब क्या? तुमने सोचा कि नए नए हमारे शागिर्द हुए और हमारे रास्तों पर चलना सीखो, तो जाओ इनाम के तौर पर तुम्हें लड़की बख्शता हूँ। क्या याद करोगे बेटा, किसी रईस से पाला बढ़ाना है। लेकिन इतना ख्याल रहे उस्ताद के नाम को कहीं भट्टा ना लगे। हाँ समझा? हाँ गुरुदेव, मैं कुछ नहीं समझा। समझ जाओगे बेटा आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो पहली जमात में आए हो। अच्छा तो आज कमल के खेत दिखाने ले जा रही है क्या? देर हो रही जाओ। गुरुदेव आप नहीं चलिए? अबे क्यों मगरमच्छ वाले आंसू बहाता है, हमी साथ करता बेटा। हाँ जा जा, वीर उस्ताद की दुआ से तुम्हारा काम बन जाए। देख ये गीतों में तो कुछ चक्कर में नहीं फंसे रहे, वरना भाड़ की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। समझा? जाओ बेटा, चलो चलो चलो। तुमने वो गीत नहीं सुनाया बाबूजी? कौन सा गीत? वो प्यार हो गया। प्यार? तुम्हें सचमुच गीतों से बहुत प्यार? फिर तुम ही सुनाओ। नहीं, मैं जब सुनाने पे आऊंगी तो इतने सुनाऊंगी कि तुम सुनते सुनते थक जाओगे। तुम तो सिर्फ एक गीत याद करके फूले नहीं सुना। पता है मुझे कितने गीत याद हैं?
लेकिन मुझे गीत याद नहीं करने पड़ते। इसलिए कि मैं खुद गीत बनाता हूँ। तुम गीत खुद बनाते हो? झूठे हो तुम, भला गीत खुद कैसे बन सकते? झूठे कहेंगे। तुम कपड़े क्यों नहीं पहन रहे आप? आज भी क्लब नहीं चलोगे क्या? मैं तो आज यही रहूंगा, तू हुआ। अबे चलता है कि नहीं? किसी पोस्ती के जानशीन पता भी है कि आज रूबी और बिमला दोनों यहाँ ही नहीं? अरे वही रूबी, वो कैबरे डांसर, और आज क्लब में आ रही, खूब शानदार प्रोग्राम है। सुनता नहीं, वो आएंगी तो तुम उनसे मिल ही लोगे, मेरी भी नमस्ते दे देना। अब तू यहाँ बैठा उस मल्ला की छोरी पर अपने गीतों का रोब जमाता रहेगा? हाँ अच्छा, तो कवि महाराज आप एक कविता के मोती ढूंढिए, हम सिर्फ थिरकती हुई लहरों का नाच देखा। ओके तारा तारा तारा। Thank you.
ये जो तुम तोते की तरह नए नए गीत रट लेती हो, कुछ माने भी समझती हो क्या गा रही? तो तुम्हारा ख्याल है मैं कुछ समझती ही नहीं? सब समझती हूँ परदेसी। अच्छा, तुम सब समझती हो? अच्छा देखो तो मेरी आंखों, समझो इनमें क्या बता सकती हूँ? हाँ तो बताओ। इनमें तो मैं हूँ। हाँ देखो देखो इनमें मैं दिखाई देती हूँ, तुम खुद देख लो ना, इनमें मैं दिखाई देती हूँ। एक और चीज दिखाई देती हूँ, वो जीत निकलती। चलो ना। जानते हो यहाँ पानी का रंग इतना नीला क्यों? क्योंकि यहाँ झील में बहुत गहराई है। बस यही तुम्हारी आंखों में भी है, झील गहराइयाँ। शाबाश, अब तो तुम भी शायरी करने लगी हो, अब सचमुच तुम्हें प्यार हो गया। मगर ये प्यार क्या होता है? हाँ प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? हाँ तुम्हें प्यार का भी पता नहीं क्या होता? मगर तुम तो कहती थी कि मैं सब समझती हूँ। बस यही नहीं समझती, इसलिए तो पूछ रही, तुम बता दो। मैं क्या होता? प्यार बताने की नहीं पाने की चीज है रेशमा, इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किस तरह? किस तरह नहीं, बल्कि एक वक्त आता है जब प्यार किसी कांटे की चुभन की तरह खुद बखुद महसूस होने लगता है। मगर वो वक्त कब आता? उसका कोई वक्त नहीं रेशमा, किसी भी दिन बहार के पहले फूल की तरह अचानक ही वो वक्त आ जाता है। जब वो वक्त आता है जानती हो क्या होता? क्या होता है? तब दुनिया की हर चीज के माने बदल जाते, तब किसी की आंखों में झीलों की गहराइयां दिखाई देने लगती और उनमें डूब डूब जाने को जी चाहता, तब चांद किसी के माथे की बिंदिया बन जाता और उसकी बूंदे आकाश के आंसू दिखाई देती, तब चांद ने किसी के चरणों की धूल पाने के लिए धरती पर लौट लौट जाता।
है कभी कभी कि बस हंसते हंसते यूं ही रोने लग जाते हो। मैं तुम्हारा ही गीत तो गा रही थी और तुम इस खुशी के मौके पर भी उदास हो, क्यों? इसलिए कि जिंदगी हंसने और रोने से मिलकर बनती है। इसी छूट छाव से तो प्यार के नक्शे तैयार होते हैं रेशम। मगर तुम्हारा ये प्यार कैसा है जिसमें शुरू से ही आंसू भी शामिल है? जिसमें आंसू नहीं होते वो सच्चा प्यार नहीं होता रेशम। वो हंसता हुआ फूल और रोती हुई शब्द, हुस्न और इश्क के मिलाप का कितना खूबसूरत है। प्यार का बुनियादी रूप यही होता है रेशम। इसलिए तो कहता हूं कि किसी के प्यार को वक्त के पैमाने से नहीं आंसू के पैमाने से नापना चाहिए। कमर है तिरछी नजर है। आ जा मेरे
मन चौके बालम आजा तेरा आँखों में घर है आजा तेरा आँखों में घर है और तुम फिर किसी उस्ताद जी की तरह तबला सारंगी लेकर बैठ गए। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कहा सरकार तुम्हें हुआ क्या है? ये तो बहुत टेढ़ा सवाल करती है तुमने कि हुआ क्या है। इसका जवाब तो गालिब जैसा शायर भी नहीं दे सका गोपाल। वो भी सिर्फ सवाल को दोहरा कर ही रह गया कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। भाई मैं तो ये दर्द दिल की बात है सुन सुनकर तंग आ गया। आखिर तुम दकियानुसी शायरों का हर वक्त दर्द कहां से चिमटा रहता है? ये राज तुम क्या जानो, तुम्हें किसी शायर के दिल का हाल क्या मालूम। हाय भगवान ने कवि और शायर भी एक अजीब जानवर पैदा किया जिसे जब देखो कोई ना कोई दुखड़ा ही रो रहा। अरे मियां ये जो दुनिया में चार दिन रहना है ना, इन्हें रोते पीटते गुजार देने का नाम जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी नाम है एक कहे का जो एक फुलझड़ी की तरह चारों तरफ शगुफे बिखेरती चली जाती। यही तो फर्क है गोपाल भैया, तुम जिंदगी में फुलझड़ी के शगुफों को देखते हो लेकिन वो शगुफे पैदा करने के लिए फुलझड़ी के सीने में जो आग लगाई जाती है उसे तुम नहीं देखते। तुम हर कदम पर एक नई रूबी के साथ डांस कर सकते हो लेकिन जिस नीला को उन पहाड़ों में उम्र भर इंतजार करने के लिए छोड़ आते हो उसे तुम भूल जाते हो। अच्छा जी, अब आपको उसकी हमदर्दी नहीं भी सताया? हाँ भाई कुछ भी कहो, मैं शायरी के पर्दे में दूसरी लड़कियों से हमदर्दी करने का टच बहुत पसंद आया। आज तुम इन बातों को मजाक में उड़ा रहे हो गोपाल, लेकिन मैं जानता हूं अगर उसका प्यार सच्चा है, अगर उसकी आहों में असर है तो एक दिन जब तुम्हें ये रूबीज और लिली सब छोड़ जाएंगी उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे हुए उसके कदमों में गिड़गिड़ाओगे। अपने दोस्त के साथ बाहर गई। रूबिका कौन? वो डांसर? हाँ वो भी अभी अभी अपने दोस्त के साथ बाहर गई। और एक रोज जब तुम्हें ये रूबीज और लिली सब छोड़ जाएं उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे हो उसके कदमों में गिड़गिड़ाओ। ओए हेलो रूबी, हेलो हेलो, आखिर तुम आ गई। ओ हेलो हेलो, माफ कीजिए मुझे अभी फुर्सत नहीं है, मैं बाहर जा रही हूँ। दादा दादा बाय बाय दादा। और एक रोज जब तुम्हें ये रूबी और लिली है सब छोड़ जाएगी उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे उसके कदमों में गिर कराओगे। Oh,
बच्ची नहीं है, मुझे याद कर रही है। तुम्हारा मजाक उड़ा रहा होगा कहीं बैठा हुआ, याद करते हैं। याद आई क्योंकि तुम मजाक उड़ाते होंगे। तेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाते? तू तो पगली हो गई है। इन परदेसी बाबुओं का क्या एतबार? वो अपने कहीं रंगरेलियां मना रहा होगा और रोग लगा हुआ तेरी जान को। नहीं तेजो, जरूर कोई बात है। आज रात मुझे बुरे बुरे सपने भी आते रहे, जैसे वो बीमार हो और मुझे बुला रहे हो। उन्हें इस वक्त किसी की सेवा की जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है तेजो, तेजो उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैंने कभी किसी का आसरा ढूंढने की कोशिश नहीं की, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना, और इसीलिए मेरे दिल को कभी तकलीफ नहीं होती। इसीलिए मैं हंसते हंसते किसी वक्त मर सकता हूँ। आदमी खुद हंसते हंसते मर सकता है गोपाल, लेकिन दूसरे की मौत पर उसे आंसू बहाने पड़ जाते हैं। गलत, बल्कि जो अपनी मौत पर हंसना जानता है वही दूसरों की मौत पर भी हंस सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में मौत से पहले भी तो कई बार मरना पड़ता है, और वही इंतहाई तकलीफ के लम्हे होते हैं जो किसी सहारे के बिना नहीं काटे जा सकते। तब पता चलता है कि सच्चा प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा सहारा। मैं हैरान हूं कि इस बीमारी से भी तुमने कोई सबक नहीं पाया। हमने तो एक ही सबक पाया प्यारे, कि लड़कियों की मोहब्बत एक बाहिया चीज है। अभी तुमने पहला पहला प्यार किया है ना, इसीलिए किताबी आदर्श किस्म की बातें करते हो। अरे भैया, जरा हमारे तजुर्बे से पूछो कि लड़कियों की मोहब्बत में कितना दम। बाप ने एक जोर की फूंक मार दी तो मोहब्बत का चिराग गुल, किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो मोहब्बत के गले में शर्म की फांसी। कभी घराने की लाश, कभी गरीबी अमीरी का सवाल, गोया मोहब्बत को गाड़ने के लिए तरह तरह के कफन होते हैं उनके पास। घबराते क्यों हो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। आले ने तो उसके बाप कोई और कोई बिरादरी का सवाल पैदा होने तो देख लेना। चलिए अब लालो से हमें गालियां दे रही होगी। बेटी रोटी इस तरह पकाते हैं? क्या करूँ माँ, आग तेज से जरा जल गई होगी, तू जला हुआ किनारा फेंक देना। ये जली हुई रोटी? मैं भूल गई माँ। ये कोई पहली दफा तो नहीं बेटी, दरअसल इन दिनों तेरा जी कुछ ठिकाने नहीं। आखिर क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बताती? कुछ भी तो नहीं माँ। बाबू भी हर वक्त चीटी बजाता रहता है, बात भी सुनाई नहीं देती। वो तो कितनी अच्छी सितार बजाते हैं, तुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह सिर बजाता है। हाँ तो तुझे क्या हुआ है? कहा तो कुछ भी नहीं, तू खाना खा ले जल्दी से। मैं साफ जानती हूँ, तू घबरा नहीं, तेरा बाप कल आ जाएगा और उम्मीद है कि शादी के बाद जल्दी ही पक्की हो जाएगी। माँ बंद कर, तुम्हें इस तरह किसी को तड़पाने से क्या मिलता है? कौन तड़पाता है, तुम या मैं? ये तुम अपनी सितार से पूछो, जो मुझे वहां एक पल भी चैन लेने नहीं देती। ये बिचारी तुम्हें क्या कहती है? ये मैं नहीं जानती, पर कुछ कहती जरूर है। सच? क्या कहती? बता नहीं सकती, पर ये कुछ बोलती जरूर है। वो कौन सी भाषा है मैं नहीं जानती, मगर यूं लगता है जैसे मेरे अंदर दूसरा कोई और भी है जो इसकी बातें समझता है। ये तुम कौन सा गीत बजाते हो? ये एक अंग्रेजी गाना जो एक बार मैंने क्लब में सुना था, बड़ी प्यारी थी। तुम्हें अच्छी लगती? क्या अच्छा लगता? तुम्हारा सितार बजाना। सितार नहीं रेशमा, वायलिन। वायलिन? सितार। तुम्हें पता है परदेसी, कल मेरा बाबू आ रहा है। ओ, जिसका मतलब है कल मैं तुम्हारा इंतजार ना करूं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें कभी किसी पर एतबार आएगा भी या नहीं? मोहब्बत में एतबार ही तो खो जाता है रिश्मा।
जानती प्यार की राह में कदम कदम पर शक की दीवारें खड़ी है। बस तुम्हारी यही बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। मैं तो सब समझती हूँ पर तुम ही नहीं समझती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माँ क्या कहती थी? क्या कहती थी? कहती थी कि बाबू के आते ही मेरी शादी की बात पक्की हो जाएगी। शादी की बात? हाँ। तुम्हारी? बहुत अच्छा, हमारे होते हुए तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी बारात देखते जाएंगे और हुक्म हो तो ये सितार की तुम्हारी शादी हो जाए। हमारे यहाँ शादी में शहनाइयाँ बजती हैं, सितार नहीं। शहनाइयाँ बजती सितार क्यों नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? क्या? यही के बापू शायद मेरी रेशमा ना रेशमा ना हुए दिल की पुकार। किसके दिल की? जो दूसरों को तो प्यार के धोखे से खबरदार करना चाहता है लेकिन खुद धोखा खाकर भी प्यार किए जा रहा है। कुछ समझे? राम राम, बड़ी सर्दी है आज। बापू तुम थक गए, अब जल्दी से सो जाओ, मैंने तुम्हारा बिस्तर ठीक कर दिया। अच्छा बेटी, बस ये चिलम खत्म कर लो। ये रेशमा को भी कितना ख्याल है मेरा। ख्याल क्यों ना हो, बेटी जो हुई। लेकिन कल को जब ये ब्याही जाएगी तब हमारी खिदमत कौन करेगा? अरे हाँ, तुम ब्याह की बात पक्की करके आए हो या नहीं? अरे इसके बारे में तो तुम्हें बहुत कुछ कहना है, जरा ठहर ये चिलम फूंक लूं। रेशमा की माँ
भगवान की दया से रिश्ता बड़ा ही अच्छा है। क्या है बेटी? कुछ नहीं, पानी पीने उठी थी। अच्छा, कितनी सर्दी है आज। राम राम। सर्दी बहुत है, मैं तुम्हें कम्बल उठाने आई। सर्दी तो आज वाकई में बहुत ज्यादा है बेटी। अच्छा अच्छा, तू जा सो जा। इस वक्त जिस तरह तुम इस वायलेट की तरह मेरे हाथ में आ गई हो, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ लूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। ये तार तो कब से झंझना रहे हैं, लेकिन तुमने इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। झूठी तसल्ली से कुछ नहीं बनेगा रेशमा। तुम्हारे दिल के ये तार बज रहे होते तो मैं लोहे के तारों से अपनी उंगलियां जख्मी क्यों कर लेता। ये तुमने क्या किया? तुम्हें मुझ पर यकीन ना था। नहीं, मैंने तो समझ लिया था कि आज तुम भी हीर से आल होगी। हीर से आल? हीर से आल। पंजाब में तो मशहूर प्रेमिकाएं हुई, उनमें से एक का नाम था हीर से आल। तो उसने क्या किया था जो तुमने भी मुझे वही बना दिया? हीर सयाल वक्त आने पर अपनी शादी रचाकर उस रांचे को धोखा दे गई।
जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़कर आया था। और दूसरी कौन थी? सोहनी कुमारी। वो अच्छी थी क्या? सोहनी वो सबसे ज्यादा वफादार साबित हुई और आखिरी वक्त तक चनाब जैसे खूनी दरिया को सिर्फ एक मट्टी के खड़े के सहारे तय की हुई। आधी आधी रात को अपनी माईबाप के पास पहुंचती रही, यहां तक कि एक रोज जब उसकी ननद ने पक्के खड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया तो वो ये जानती हुई भी कि इसकी मट्टी पानी में घुल जाएगी, सिर्फ इसलिए दरिया में उतर पड़ी कि वापस लौटने से मोहब्बत को दाग लगती। लेकिन एक सोहनी के ऐसा होने से क्या होता, अक्सर लड़कियां ही साबित होती। शायद गोपाली ठीक कहता था। लेकिन सच्चा कौन है इसे साबित करने के लिए तो वक्त चाहिए। नहीं रेशमा, सच्चे आदमी के लिए हर वक्त इम्तिहान का वक्त होता है। जो लोग किसी बात के लिए वक्त का इंतजार करते हैं वो उसे कभी नहीं पकड़ सकते। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता रेशमा। वो अपनी रफ्तार से हमेशा चलता ही जाएगा, एक पल एक घड़ी के लिए भी नहीं रुकेगा, चाहे वो घड़ी कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। अगर एक बार खो दे तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी उसे वापस नहीं खरीद सकती। और ये बात हर गरीब आदमी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसके पास यही तो एक खजाना होता जिसकी बूते पर वो अपना सर ऊंचा करके चल सकता। लेकिन बापू, बापू तुम आज मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए कि आपके गांव में मैं तुम्हारी शादी तय करके आया हूं। और ब्याह से पहले हर बाप का ये फर्ज होता कि वह बेटी को अपनी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ नसीहतों की शक्ल में अदा करता, और यही तो असली जहेज होता है बेटी। मैंने बहुत दुनिया देखी है रेशमा, इसी मकान में हजारों परदेसी बाबों की खिदमत की, भोली लड़कियों को मीठे मीठे वादों के चक्कर में फंस कर यही तबाह हो गया, फिर उन्हें हर साल उसी तरह यहां के चक्कर लगाते देखा, उन्हें बनते देखा, लेकिन एक भी परदेसी बाबू को गए वक्त की तरह लौट कर आते नहीं देखा। फिर से आल वक्त आने पर अपनी शादी रचा कर उस राजे को धोखा दे जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़ कर आया। नहीं, लेकिन सच्चा कौन? फिर से आल वक्त आने पर अपनी शादी रचा कर उस राजे को धोखा दे वक्त किसी का इंतजार नहीं कर जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़ सच्चे आदमी के लिए हर वक्त इम्तिहान का सच्चा कौन है इसे साबित करने के लिए तो जो लोग किसी बात के लिए वक्त का इंतजार करते हैं वो उसे कभी नहीं पकड़ सकते। सच्चे आदमी के लिए हर मुझे इन बाबुओं से नफरत हो गई। चुनाव पेट का सवाल न होता इंतजार तो मैं इनमें से एक भी न देखा। मैं सोहनी बनूंगी, मुझे इन बाबुओं से नफरत हो गई। मैं सोहनी बनूंगी। अगर पेट का सवाल न होता तो मैं इनमें से एक भी शक कभी न देखता। मैं सोहनी बनूंगी रेशमा, मैं सोहनी बनूंगी। तुम भी आज सोहनी बनूंगी। आज तुम भी सियाल हो गई। लड़कियां अक्सर ही साबित होती है रेशमा, तुम भी आज ही सियाल हो गई। नहीं, लड़कियां अक्सर ही साबित होती है रेशमा, रेशमा तुम भी आज ही सियाल हो गई। मैं सोहनी बनूंगी, मैं सोहनी बनूंगी, मैं सोहनी बनूंगी। Thank you.
जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया तो वो ये जानती हुई भी कि इसकी मट्टी पानी में घुल जाए कि सिर्फ इसलिए दरिया में उतर पड़ के वापस लौटने से मोहब्बत को दाग लगता था। मैं सोनी बनूंगी, मैं सोनी बनूंगी। से नहीं निकाल सकते समझे, नहीं निकाल सकते तुम, निकल जाओ। हमने इस मकान के लिए सीजन का किराया दिया नकद रुपए, समझे, नकद रुपए दिए हमने इस मकान के लिए। हमें यहाँ से निकल जाने के लिए कहने का तुम्हें कोई हक नहीं, लेकिन अब तुम रुपए वापस करके भी एग्रीमेंट नहीं तोड़ते। आखिर हम यहाँ से क्यों चले जाए, मजाक हो गया? जब जी चाह करके सब चले जाएंगे। मैं कहता हूँ कि तुम झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं गोपाल, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन क्यों झगड़ा करके किसी का दिल दुखाने से क्या फायदा गोपाल, हम आज किसी और मकान में चले जाएंगे। गोया जो कुछ इसने किया और जो कुछ कर रहा है वो सब ठीक है? इसने कुछ खुश होकर तो ऐसा नहीं किया। हमारे देश में झूठी शर्म और इज्जत पर मर जाने वाले लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। कितनी बदकिस्मती है कि ये लोग सच्चे प्यार को भी नहीं समझ सकते। इन हाथों में कुल्हाड़ा उठाने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता कि मेरा प्यार कैसा। तुमने हजारों झूठे वादे करने वाले देखे, तुम्हें उनसे नफरत भी हो गई थी, लेकिन एक बार किसी सच्ची आत्मा का प्यार भी तो देख लिया होता। जिस फूल से शरीर को अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हीं हाथों से उसे इस पानी की कब्र में फेंकते हुए तुम्हारी आत्मा चीख न उठी। तुमने इस बहते हुए पानी से ही क्यों ना पूछा कि वह अपनी गंगा जल की तरफ थी या नहीं?
के 8-10 फूल तोड़ ला हो, और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा हो, लेकिन देख बूटी जा चुका उखाड़ कर लाइयो हो, हाँ जल्दी से आप जल्दी अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो हाँ ये लेप सूख जाए तो और लगा देना हो मैं शाम को आऊंगा जरा मेरा हाथ धुलाइयो भाई हो मगर कहाँ जाओगे वैद्य जी से इस तरह छोड़कर लगीने की शादी कराने जा रहा हूँ अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया लगीने शादी वैद्य जी बैजी अरे कुछ कहेगा भी मेरी शादी कभी नहीं हो सकती अरे जालिम तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी अभी पक्की नहीं तो कच्ची ही शादी करा दो क्यों बैजी अच्छा अच्छा इंतजार करो तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी बैद जी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हर्ज है ठीक है भेज देंगे ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी बस ये कोई 15-20 दिन बैद जी भगवान भी कुछ जरूर है जो? देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहू मेरे लिए हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी बैची है तो बड़ी खूबसूरत क्यों हाँ भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो को काफ परी को उठा ला जरा पानी डाल अरे पानी डाल पानी डाल क्या ले पानी लो बैची बाजे सुना तुमने बरसात आ रही है बैची ने कहा है तुम्हारे अंदर नया खून आ जाएगा और तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी और ये देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ ताजे ताजे फल अपने हाथ से तोड़ के लाया हूँ और ये देखो ये फूल लो बाबूजी तूने मुझे बाबूजी कहा मेरा नाम है भोलू भोलू बाबूजी बाबूजी भोलू 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 बोलू नए पत्ते आए हैं चल उठ बरसात आ रही है उठ बरसात भी आ गई पेड़ों पे नए पत्ते आ गए पर वो नहीं आए अरे छोड़ तू किसकी बातें कर रही है कभी परदेशियों के वादे भी सच्चे हुए हैं लेकिन तेजो उन्होंने तो बरसात में आने का पक्का वादा किया था तो तुझे क्या समझाऊं कि जो बरसात में आते हैं वो सदा नहीं रहते देखती है इन बरसाती नदियों को इस मौसम में ये कितना शोर मचाती है बाद में कभी पता भी नहीं लगता
इसीलिए तो कहती हूँ, बरसाती वादों का ख्याल छोड़ दे, उनका कोई भरोसा है। वो देख, वो आ भी गए। तड़पता ही रहा हूँ मैं जिंदगी में, हर दम रोता ही रहा हूँ। उम्मीद के दिए बुझे दिल में है अंधेरा, उम्मीद के दिए बुझे दिल में है अंधेरा। जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा। फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना। क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना। खामोश खामोश मोहब्बत लिए फिरता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। आई न मुझे रास मोहब्बत की फजाएं, आई न मुझे रास मोहब्बत की फजाएं। शर्माई मेरी आँख से सावन की घटाएं, शर्माई मेरी आँख से सावन की घटाएं। लहरों में सदा गम की मैं बहता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। तो 5 दिन के बाद पटेल जी पक्का भी आ जाएगा है? हाँ देख, ये मैं पहले कह देता हूँ, अगर पक्का ब्याह करना है तो खर्च बहुत आएगा। हाँ पंडित जी जरूर। और मैं पक्के ब्याह के पूरे 3 रुपए 11.5 ने लूंगा। हाँ जरूर। और दूसरा साथ सामान भी बहुत लाना पड़ेगा। वो क्या? यही जो शादी उदी पर लगता है। हाँ लड़की के लिए कई चीजें भी चाहिए। तुम ही बता दो ना वैद्य जी, तुमने तो अपने भी 5 ब्याह किए हैं, तुम तो सब कुछ जानते हो ना। वही बाप रे बाप, मैं बता दूंगा भाई बता दूंगा, शहर जाना पड़ेगा शहर। तू भी जल्दी से बता दो ना वैद्य जी, ब्याह में जितनी देर हो रही है वो उतनी उदास होती जा रही है। कौन? तेरी बहू? वैद्य जी Thank you.
तुम आ गए परदेसी। बाबूजी कहाँ हैं? कौन से बाबू? मेरे बाबूजी, जिन्होंने तुम्हें भेजा है मुझे लेने के लिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे ले चलो, मुझे मेरे बाबूजी के पास ले चलो, नहीं तो ये राक्षस मुझे मार डालेगा। ये मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बाबूजी के पास ले चलो। अरे हाँ, वो बाबू, ले, मुझे तो याद ही नहीं रहा, उसी ने तो भेजा है मुझे, तो तुझे तो लेने आया हूँ मैं। चल चल बैठ जल्दी से अंदर। तो तू बाबू के पास जाएगी? हाँ, पर जरा जल्दी करो ना। अभी लो बस पहुंचे। जा रहा है इसको। अरे भैया, खुद ही तो कहती थी मुझे बाबू के पास ले चलो। बाबू का बच्चा, मैंने तो खुद कहा था बाबू पीछे वाली मोटा नहीं आ रहा। भाई इसे छोड़ दो, ये मुझे बाबूजी के पास ले जाने आया। बाबू को मैं तेरे हट के तोड़ दूँ। रखे बिल्कुल है तेरे भी अपनी बाबूजी। अच्छा खबरदार, जो घर से बाहर निकली वरना हड्डियों का चूरमा करके रख दूंगा। बाबूजी का बच्चा बिना रखे, बाबूजी का उसका भी चूरमा कर दूंगा, हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। अब मेरा कौन सहारा,
शेष बात कहा। तू तो कहती थी कि तू कुछ नहीं समझती, फिर यूं किसी के लिए जान देना तुमने कहां से सीख लिया? अगर जाने थे तो मुझे भी अपने साथ क्यों ना ले गए? कहो रेशमा मुझे भी अपने साथ क्यों ना ले गए? कहो रेशमा मुझे भी अपने साथ क्यों ना ले गई? तुझे मैं साथ ले जाऊंगा। चल सोता नहीं, चल। लेकिन मेरे वहां जाने से भी क्या फायदा होगा? तू जानता मुझे ये राग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भाई ठीक है अच्छे नहीं लगते, मगर एक दोस्त के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते कि सिर्फ वहां तक उसके साथ चले चलो। तुम ना सही, ये लो मैं भी नहीं जाता। मुझे यूं मजबूर ना करो गोपाल। गोपाल गोपाल मेरी बात तो सुनो। देखो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, अगर तुम्हें मेरा कुछ जरा भी ख्याल है तो वो शेव का सामान रखा वो है कपड़े। चल अब और कहां चले? शहर, मैं तुझे आज शहर लेके जाऊंगा। सच? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे एक बार शहर जरूर ले चलो। मेरे प्राण बाबू तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। वो क्या देंगे रानी, देने वाले तो भगवान है, इसने तुम्हारी जैसी बहू अपने आप मेरे घर में भेज दी है रानी। शर्मा गई मेरी रानी, शर्मा गई मेरी रानी। है पंडित ने कहा है 4 दिन के बाद शादी की पक्की महारत है, सवाल बाजार चलेंगे रानी, मैं बाजार लेके चलूंगा, नए नए कपड़े दिलाऊंगा, चांदी की पाजेब दिलाऊंगा और चूड़ियां दिलाऊंगा और जो तेरी मर्जी आओ लेना रानी। है बोल ना रानी, और तू क्या लेगी रानी? उठ रानी, उठ ना रानी, चल मेरे रानी, रानी चल, तुझे बाजार जाऊंगा रानी, रानी बाजार ले जाऊंगा तेरे को, रानी बचा ले जाऊंगा, रानी बचा, शादी की दिखा क्यों रानी, शादी की चूड़िया ये दिखाओ जल्दी। हाँ ये ठीक है, ये पना क्यों रानी, ये पहने की चूड़िया तो डॉक्टर ने डांस करने के लिए मना कर रखा। सो कैन आई हैव द प्लेजर ऑफ डांस विद यू मैम? आई एम सो सॉरी, आई एम टायर्ड लिली। ओह दैट्स परफेक्टली ऑलराइट विद मी, इट्स परफेक्टली ऑलराइट विद मी। बात है तुम चलता हुआ डांस मारा है। तुम डांस नहीं करोगे प्राण? जी नहीं। अच्छा डांस ना सही, फिर भी शाम को क्लब तो आया कीजिए। एक अच्छे अच्छे बनाना है ये पहनेगी है, है? Ladies and gentlemen, Joe Menezes will now play a popular Viennese melody. Joe Menezes.
ये तुम कौन सा गीत बजाते हो? ये एक अंग्रेजी धुन है जो एक बार मैंने क्लब में सुनी थी। तुम्हें अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता? तुम्हारा सितार बजाते। सितार नहीं रेशमा, वायलिन। सितार, वायलिन। ये रानी, ये पसंद है रानी? बाबूजी कहाँ है? कौन बाबूजी? वो जिनका तुम अभी गीत बजा रहे थे, ये उन्हीं की सितार है ना? ये मेरे बाबूजी की सितार है, ये मेरी सितार है, ये मेरे बाबूजी की सितार। तुम जानते हो मेरे बाबूजी कहाँ है, मुझे बता दो। मैं कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो? अगर तुम्हें पता नहीं तो तुमने ये गीत कहाँ से सीखा? तुमने ये धुन क्यों बजाई? तुम जानते हो? तुम जानते हो मेरे बाबूजी का पता? मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे बता दो। मिस्टर जो, कौन लड़की है वो? निकालो बाहर उसको, बुलाओ उसको, नहीं आओ उसको, नहीं आओ उसको, नहीं नहीं इधर कुछ रखो, ये भावनी मैं आ गया, मैं ले जाऊंगा उसको, इसे कुछ मत कहो, ये पागल है, इसे कुछ मत कहो। देखा था ना क्या किया, मेरी इज्जत खा के मिला दी। मालूम है तो किसकी बहू बनने वाली है। चल, मैंने कहा था मेरी इज्जत मत खे। प्यार भरा दिल तोड़ गए।
मेरा प्यार भरा दिल टूट गया। फूल संग मुस्काए कलियां मैं कैसे मुस्काऊं, फूल संग मुस्काए कलियां मैं कैसे मुस्काऊं। बादल देख के भर आई अखियां, बादल देख के भर आई अखियां, छम छम नीर बहा मैं छम छम नीर बहा। छूट गया बालम लगी को क्या कोई जाने, मैं जानू दिल जाने। दिल की लगी को क्या कोई जाने, मैं जानू दिल जाने। पलकों की छाया में नाचे, पलकों की छाया में नाचे, दर्द भरे अफसाने, हाय दर्द भरे अफसाने। छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए। मुझे दिखाई देता है कि तुम्हें पागल होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे, और मुझे अफसोस है कि इतने दिन क्यों लग गए। मुझे इससे बहुत पहले पागल हो जाना चाहिए था। कुछ समझ में नहीं आता, या तू पागल है या मैं। आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें उसकी मौत के बाद भी तड़पा रही है, अगर यही मोहब्बत है तो गोपाल, कुछ समझ में नहीं आता। यहां आकर मेरा दिमाग धुंधला गया। अगर मोहब्बत सिर्फ शरीर को हासिल करने का नाम है, तो उसके मर जाने पर भी तुम्हारे प्यार में ये मजबूती क्यों? तुम्हारे यकीन को इतना पुख्ता देखकर कभी कभी शक होता है कि शायद तुम ही ठीक कहते हो। तुमने मेरे यकीन को भी डामाडोल कर दिया है प्राण, यहां तक कि कभी कभी अपनी जिंदगी से उकता कर मेरा भी तुम्हारी तरह तड़पने को जी चाहता। तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? ये कोई नई बात नहीं गोपाल। इंसान के अंदर हमेशा दो अलग शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशाओं में काम करती रहती। इतना ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो मैं भी तुम्हें देखकर यही सोचता हूँ कि शायद तुम मेरा ही दूसरा रूप हो। बस ठीक यही बात तो मैं तुमसे कहलवाना चाहता था। इसका मतलब है कि अगर हम एक ही शख्स के दो रूप हैं, तो अगर हम दोनों मिलकर किसी एक ही लड़की से मोहब्बत करें, तो शायद वो मोहब्बत का असली रूप होगा। भाई हंसा दिया तुमने,
दोस्त मान गए तुम्हारी बात, तो चलो मिलकर किसी लड़की से मोहब्बत कर। मुझे तुम्हारी हंसी आती है गोपाल। गोपाल कुछ नहीं, हाँ आज तो तुम्हें मेरे साथ शहर को चलना ही होगा। कहाँ जा मैं चाहो, उठ उठ गोपाल। सुन गोपाल, मैं उठता हूँ। मगर ये शहर के बाहर कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सच बताऊँ? हाँ। तो आज मैं तुम पर ये साबित करना चाहता हूँ कि जो तुम प्यार को ऐसी दुर्लभ वस्तु समझते हो, वो महज एक बिकाऊ चीज है। वो चांदी के चंद टुकड़ों से किसी वक्त खरीदी जा सकती है। उसे तुम प्यार कहते हो गोपाल? कितने बेसमझ हो। तुम बड़े समझदार हो, जो एक लड़की के पीछे इस तरह दीवाने हो। नहीं, नहीं। नहीं गोपाल, चलो भगवान के लिए यहां से चले। चलो गोपाल, अब और आगे कहां लिए जा रहे? देखो प्राण, जब तक एक जगह मेरे साथ उतर कर तुम उस सच्चाई को देख नहीं लेते जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तब तक वापस नहीं जा रहे। रानी, तूने अभी तो शादी का जोड़ा भी नहीं पहना। हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर। बैठिए, जल्दी जल्दी करो ना, क्या देर लगा रखी है। बस हो गया समझो। पहाड़ी की शादी हो रही है, चल जरा देखा तो सही इनकी शादी कैसे होती है। तुम्हारी शादी? अच्छा है, हमारे होते हुए तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारी बारात देखते जाएंगे और वो तो तुम्हारी शादी पर ये सितार बजाऊं। नहीं, हमारे यहाँ शादी पर सितार नहीं बजती, शहनाइयाँ बजती हैं। शहनाइयाँ? शहनाइयाँ? हाँ, तुम्हारी शादी पर शहनाइयाँ बजेंगी। गोपाल चले चलो यहाँ से, मुझे ये शादी के बाजे अच्छे नहीं लगते, मुझे ये शादी के बाजे अच्छे नहीं लगते। ये शहनाई उसकी शादी पर भी बजने वाली थी। चल चलो यहाँ से, चले चलो यहाँ से। लेकिन चलो कहाँ? कहीं तो मानता भी है। कहीं भी चल, लेकिन मुझे शहनाई की आवाज से दूर ले चले। चलो किसी लड़की के पास, किसी भी नर्क में ले चल। लेकिन जहां शादी की शनाई है ना बचती हूँ। अब बात बड़ी ना, तो चल। Yeah.
देख रही, ये प्राण जो है ना, ये सिर्फ मोहब्बत का ग्राहक है, समझी? सिर्फ मोहब्बत का। अरे हाँ, वो सिगरेट तो मैं कार्य में भूला है। आशा तुम लोग इतनी देर से मेरी बातें करो, मतलब सिगरेट लिया। बाहर क्यों खड़े रह गए बाबू? अंदर आ जाओ। मुझे बाबू कहकर मत पुकारो, मेरा नाम प्राण है। लेकिन मैं तुम्हारा नाम कैसे ले सकती हूँ बाबू? नहीं ले सकती तो कुछ और से। ओ, तो बड़ा प्यारा था वो जो इस नाम से बुलाया करता था। कौन थी वो? तुम मोहब्बत बेचती हो, तुम मोहब्बत बेचती हो, इसलिए पैसों की खातिर। तुम किन बातों के चक्कर में पड़ गए हो बाबू? क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? आओ अंदर बैठ कर कुछ अच्छी बातें ही करें। इसी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? इसका बाप कहाँ है? 2 साल हुए एक बार यहाँ आया था, उसके बाद उसकी सूरत नहीं देखी। लेकिन ये तो बहुत बीमार है, इसीलिए तो यहाँ से 5 मिनट पर एक सरकारी दवाखाना। लेकिन डॉक्टर पैसे लिए बगैर अच्छी दवाई नहीं देता। और मैं डरती हूँ कि किसी बड़े बाप की औलाद अगर यहाँ आ गया तो ये लगता है कि मेरी एक भी निशानी को तो संभाल कर ना रख सकी, मेरी एक भी निशानी को तो संभाल कर ना रख सकी। चलते हैं। ये तो बता कि मोहब्बत का सौदा कैसा रहा? हा? वो माँ है, माँ है गोपाल। क्या मतलब? वहां औरत का नहीं, माँ का प्यार बिकता है। समझा नहीं? तुम नहीं समझोगे, तुम ज्यादा तरक्की पसंद आदमी हो। अब चलो यहां से। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लां वर्धनं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मं मणिमाला विभूषितं। पूछता हूँ, जो तुम फिर वापस जा रहे हो तो आखिर किस उम्मीद पर जा रहे हो? उसकी मौत के बाद अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई उम्मीद है तो उसका नाम पागलपन दिशा और क्या हो सकता? मुझे फुसफुसी ठस से जिंदगी बिल्कुल पसंद है। जिंदगी में कुछ हरकत होनी चाहिए, कुछ मूवमेंट। ये तपेदिक की मरीज की तरह बस दरमियान में लटके रहना मुझे पसंद नहीं। अगर जिंदगी कुर्बान करने के इरादा हो तो आदमी खुदकुशी कर ले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्षा मंगलाय तन्मयी। मोहब्बत समझो चाहे दोस्ती समझो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो। ना तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ ना जा सकूंगा। शरणाइयां फिर क्यों बजने लगी? सुनो, ये शरणाइयां
शहर से जाकर कोई डॉक्टर लाता हूं, तुम लोग उसका ध्यान रखना, मैं तुम्हें नाम दूंगा। अरे राम 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 राम, इतना खून, बेचारे की मौत भी कहां आई, सारी चमड़ी पीली पीली हो गई। इधर दिखाओ जरा राजू, जिंदा है कि मर गया? भाई जिंदा तो है अभी, लेकिन देख बोलू ले, तू ये लड़की को घर पहुंचा है, घर पहुंचा है, वो पन्नाड़ी की जड़े याद है ना तुम्हें, जिसने तेरी बहू को अच्छा किया था, वो इसी में अच्छा करेगा। अरे तेरा बाहर निकाल, जूते तो खोल दे, उधर से आई तो निकालना, उठा ऊपर डॉक्टर साहब एम्बुलेंस जल्दी से भिजवा दीजिए, फिर एक मिनट की देर ज्यादा ना हो जाए। चलिए आई जी, रास्ते से क्यों नहीं गुजर जाते ताकि मरने से पहले तुम्हें देख तो लेती। पढ़ो, मैं अभी इस लाश को दरिया में फेंक कर आता हूँ। बाबूजी, तेरे बाबूजी,
मैं अभी इसे दरिया में फेंक के आता हूँ, दरिया में फेंक कर आता हूँ। तो ये है तेरे बाबूजी, अभी दरिया में फेंक के आता हूँ, दरिया में फेंक कर आता हूँ। अरे हाथ बाबू जी को छोड़ दो, बाबू जी छोड़ दो। बात पुलिस को बुलाने तो खून हो जाएगा। नहीं मानती, किसी को आने से तेरी आंखों के सामने इसके दो टुकड़े किए देता हूँ। मैं सोनी हूं ना, जान लेकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा भी। कैसी बदशगुनी की बात नहीं उसे निकालते हैं पापा। अब क्या रह गया जिसके शुगर बनाओ? डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं, वो महज अपने तजुर्बे की खातिर ऑपरेशन कर रहे हैं। प्राण तो समझो कि मर गए हैं। डॉक्टर साहब उनके लिए तो ये उसी वक्त मर चुके थे भैया, ये बेचारे मौत से नहीं लड़ सकते, मौत से तो सिर्फ प्यार ही लड़ सकते। मैं उन्हें अपने प्यार के जोर पर मौत के हाथों से छीन लाई हूं, और ऐसी 1000 मौतें भी अगर मिलकर आ जाएं तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम घबराओ नहीं भैया, बाबूजी नहीं मर सकते, सच्चा प्यार कभी नहीं मर सकता। काले मौत तू मुझे पागल कर देगी, मुझे पागल कर देगी, चली जाया वरना प्राण तो मरी जाएगा, मैं तुझे भी उसके हाथ मार रखूंगा। तब तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं रहेगी, मुझे मारने के लिए मेरा प्यार ही काफी है। बापू ने कहा था कि प्यार जिंदा भी कर सकता है, हर वक्त पड़ने पर मार भी सकता है। मेरी तरह भगवान पर विश्वास रखो भैया, वो प्यार की लज्जा हमेशा रखते हैं। मैं भगवान को तो मानता नहीं, हाँ अगर प्राण अब भी बच गया तो मैं प्यार की ताकत को जरूर मान लूंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। Thank you.
बाद मिस्टर गोपाल ऑपरेशन सक्सेसफुल, अब वो जिंदा रहेंगे। डॉक्टर जादू सिखाने के लिए लाया? मैं अब जादू सीख कर क्या करूंगी, मेरा काम तो जादू के बिना ही चल रहा है। ओ, तुम समझती क्यों नहीं भाभी, अब तुम्हें कैसे समझा। देखो डॉक्टर ने कहा है कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर प्राण की पट्टी खुलने वाली, मैं चाहता हूँ किसी एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें बिल्कुल अप टू डेट मैडम बना दूं। मैडम 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 मैम शाह। हाँ मैम शाह, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक मैम बना दूं, ताकि प्राण जब आंखें खोले तो बस क्या बताऊँ तुम्हें फिर क्या होगा। क्या होगा फिर, इससे वो खुश होंगे? अरे खुश इतना कि शायद वो मुझे इनाम के तौर पर तुम्हें ही बख्शते। हाँ कैसी बातें करते। देखो मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, तुम्हारा पहला सर कभी शुरू हो जाए, इसे कहते हैं साड़ी, इसे यूं पहनते हैं, यूं पहनते हो, और ये है पाउडर, पाउडर चूना। चूना नहीं पाउडर, मैं तो चूना। आखिर इसे मुंह पे लगाने से रंग सफेद हो जाता है। इधर औरतें कैसे लगाती तो दो दिन में खत्म। अब जरा बाकी दिनों में थोड़ी सी गिटपिट सीख लो। गिटपिट? हाँ, सॉरी, मेरा मतलब है थोड़ी अंग्रेजी सीख लो तो बस पूरी जादूगरनी हो जाओ। देखो तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी, जाओ हम नहीं सीखते। देखो सीख लो, हाँ फिर ऐसा गुरु नहीं मिलने का कभी। देखो भाभी प्राण भैया के साथ मिलकर के हमें भूल ना जाना, कभी खुशी के मौकों पर हमें भी याद कर लिया करना। याद कर लिया करना, वो तो कहते थे हम सब इकट्ठे रहेंगे। शायद अब ये ना हो सके। वो क्या बताऊं भाभी, तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? तुमने एक नास्तिक को पुजारी बना दिया, जो काम प्राण के लेक्चर न कर सके वो तुमने किसी देवी की तरह अपने प्यार का चमत्कार दिखा कर कर लिया, और मैं जो प्यार को एक पागलपन समझता अब खुद किसी देवी का पुजारी बनने के लिए तड़प रहा हूं। सच? कौन है वो? है इन्हीं पहाड़ों में एक और की लड़की तुम्हारी। आओ बैठो, तुम्हें आज उसकी कहानी सुनाएं। उसका नाम नीला है, यहां तो वो रास्ते में पड़ाव आता है,
पिछली बरसात की बात है, जब मैं और प्राण और इसी तरह हर बार मैं झूठे वादे करके चला आता था और वो बेचारी आंसू भर के रह जाती थी। ये तो तुमने बहुत जुल्म किया भैया, तुम इन पहाड़ की लड़कियों को नहीं जानते। तुम लोग तो झूठे वादे करके चले जाते हो और ये बेचारियां सारी सारी जिंदगी रास्ते के पत्थरों पर बैठी इंतजार ही में गुजार देती है। जब कभी जी भर आया तो गीत के दो बोल गाली। इसीलिए तो पहाड़ के गीत में इतना दर्द होता है। दर्द होता है तभी तो इतना असर भी होता है कि मुझ जैसे पत्थर भी झरनों की तरह पिघल जाते हैं। मगर देखो, प्राण को भी कुछ मत बताना, क्योंकि मैं उसे इस मामले में भी एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। भैया, उन्हें अस्पताल देखने चले? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गोपाल, तुम्हारे बाल बाल सब कहाँ गए? डॉक्टर साहब इन्हें देखे। चाय पी लीजिए। अब गोपाल चाय। गोपाल, इसे क्या हुआ है रेशमा? क्या जाने, खुद ही पूछ ली थी। बचा रहा हूँ, सुबह जरा जल्दी लौटना ताकि ठंडे ठंडे यहाँ से निकल चले। सुबह शायद मैं ना सो। क्या बात है गोपाल, तुम कुछ छुपा रहे? छुपा नहीं रहा, भाभी सब जानती है। क्या बात है रेशमा? गोपाल भैया नीला के पास जा रहे, अभी उन्हीं के पास रहेंगे। सच गोपाल? गोपाल, सच गोपाल?
लेकिन तुम उसे साथ क्यों नहीं ले चलते? वो तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसीलिए तो। क्या मतलब? तुम शायद भूल रहे हो, तुम्ही ने तो कहा था कि प्यार में देना ही होता है, कुछ मांगना नहीं। अगर वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जाने को तैयार है तो फिर उसी का प्यार कितना ऊंचा हो जाता है। मैंने उसके लिए क्या किया? चुनाचे मैंने फैसला किया है कि अगर मैंने सच्चे दिल से प्यार की महानता को समझा है तो फिर मैं ही अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास क्यों ना चला जाऊं, ताकि अगर इतना ऊंचा ना हो सकूं तो कम से कम उसकी ऊंचाइयों को छूने के काबिल तो हो जाऊं। ये तुम कह रहे हो गोपा? हाँ, आज तक मैंने उसके साथ धोखा ही धोखा किया, आज मैं उसी का प्रायश्चित करने के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हें छोड़ रहा हूं, अपनी भाभी को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं उसे लेकर जल्दी ही आऊंगा। पान तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकता। जाओ गोपाल, जाओ। तुम सच्चाई के रास्ते पर जा रहे हो गोपाल, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर जालिम एक बार मिल तो लो। देखो प्राण, जिताई कुछ तरह जज्बाती बनाकर मेरे आंसू देखने की कोशिश कर, मैं जिंदगी में तो नहीं गया, मैं जा रहा हूं। अच्छा देवी, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है आशीर्वाद भी तो। लेकिन भैया, हमें भाभी नहीं दिखाओगे? दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपने आप को उसे अपनी कह सकने के काबिल तो बना लेने दो, और उसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी। कब तक करनी होगी तो मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। हाँ, अगले साल जब तुम भगदड़ से गुजरो तो हमारे यहां मेहमान ठहरना, मक्खे की रोटियां फेड़ों को दूध तुम्हें पिलाएं। गोपा, मैं आ गया हूं। गोपाल, नीला आ गए बाबू। नीला ने पूछा है किसी का दिल लेकर क्या इसी तरह तोड़ दिया करते हैं? तुम कौन हो? उसकी एक सहेली। लेकिन भाई, इतना डरावना अंधेरा क्यों कर रखा है? रोशनी का मतलब ये तो नहीं होता कि रोशनी भी न की जाए? जिनके दिल में प्यार की रोशनी नहीं होती उन्हें हमेशा अंधेरा डराया करता है बाबू। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों समझोगे, शायद बाबू हो ना, लेकिन क्या यही बदला देना था तुम्हें उसका? उस जुड़ैल को साथ लाकर क्या अपनी शादी की खुशखबरी सुनाने आए थे? इसे तुम्हें ये ख्याल ना आया कि तुमने यहीं पर किसी से कुछ और भी वादे किए थे? तुमने ये ना सोचा कि प्यार करने वाले जहर खा के मर भी जाया करते हैं? जो तुम्हारी इंतजार में न जाने कब से टकटकी लगाए हुए थी, आज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। काश उसके लिए तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकल आता तो उसके दिल की आग अच्छी तरह की आग ना बन जाती। निर्दय बाबू, तुमने तो बरसती बरसात में आने का वादा किया था ना, अब तुम इसकी चिता की आग बनकर आए हो। मैं आ गया नीला।
जहाँ इतना इंतजार किया वहां चंद घंटे और नहीं जी सकती थी। मेरे झूठे वादों को देखभाल किया, मेरी सच्ची पूजा का इंतजार क्यों न किया? तुम्हें मरना ही था तो एक बार मुझे अपनी शर्मिंदगी झोली मिली अपने दरवाजे से अंदर आते तो देख लिया होता।